हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस एकेडमी। आज हम मूविंग पोएम करेंगे जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। सबसे पहले हम जानेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, फिर हम मूविंग पोएम के बारे में जानेंगे और फिर इसकी समरी करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका जन्म 1874 में हुआ एंड 1963 में इनकी डेथ हो गई, ये एक अमेरिकन पोइट हैं। जस्ट नॉट एन अमेरिकन पोइट बल्कि मोस्ट फेवरेट पोइट ऑफ अमेरिका। ओके, और इसके साथ साथ उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार मिला अमेरिका में एज एन अमेरिकन पोइट। ओके, और उनको पुलित्जर प्राइज भी दिया गया, एक दो बार नहीं बल्कि चार बार दिया गया। ओके, in 1924, in 1931, in 1937 and in 1943। ओके, चार बार दिया गया, 24 में, 31 में, 37 में, 43 में। ओके, और जो उनकी बुक है पहली, वह इंग्लैंड में पब्लिश्ड हुई थी। ओके, किसी अमेरिकन पब्लिशर ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया था उनकी बुक को छापने के लिए। ओके, अब फ्रॉस्ट है जो अमेरिका का सबसे अधिक चाहने वाला पोइट है, और वह बड़ी परिचित जो साधारण बातें होती हैं, फैमिलियर ऑर्डनरी थिंग्स होती हैं, उनके बारे में लिखता है। और जो उसकी सरलता है ना, वो इज ओनली ऑन द सरफेस। ओके, उनके जो आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, वो जो क्या है, कंटेन्ड हैं इन देम आर वेरी डीप। जो उनके आदर्श और विचार हैं वो बहुत ही डीप हैं, गहरे हैं। हिज पोएम्स नॉट ओनली टॉक अबाउट ट्रूथ, ओके, बल्कि वो ऑल्सो टीच अस विजडम। ओके, केवल सच नहीं बताती बल्कि ज्ञान भी देती हैं। अपनी कविताओं के बारे में फ्रॉस्ट स्वयं कहता है कि उसकी कविताएं शुरू आनंद से होती हैं और समाप्त ज्ञान से। ओके, हमें विजडम भी देती हैं वो। और जो फ्रॉस्ट की सारी जितनी भी पोएम्स हैं वो पढ़ने में बहुत ही आनंदमय होती हैं, डिलाइटफुल टू रीड। ओके, और जो उनकी शैली है, जो उनका स्टाइल है, इतनी उत्तम है, इतनी अच्छी है। ओके, कि एक सुनार की जैसे कुशलता होती है ना वैसे। ओके, गोल्ड स्मिथ्स की जो स्किल होती है वही उनकी शैली में, उनकी उत्तम है वो, उनकी शैली उतनी ही। ओके, अब जानते हैं पोएम के बारे में। ओके, सबसे पहले जान लीजिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही फेमस पोइट है, नॉट इन ओनली अमेरिका बल्कि आज के टाइम में भी हम सब बहुत सारे लिटरेचर के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उनके बारे में जानना और उनके पोएम्स को पढ़ना पसंद करते हैं। ओके, और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है मूविंग, बहुत ही साधारण है, सरल है, और यह है भी बहुत ही छोटा सा सिंपल सा टॉपिक लिया हुआ हुआ है, बट बहुत ही सुंदर पोएम है। और जो इस पोएम में एक जो पोएम है वह एक किसान की है, ओके, जो कि दराती के साथ घास काटने गया है। और जो वह दराती से घास काटता है तो वहाँ पर कुछ साउंड होती है, और वह उसके अलावा, साउंड के अलावा बिल्कुल शांति है वहाँ। तो वह यहाँ पर ना परसोनीफाई कर रहा है दराती को। ओके, तो कवि है जो पोइट है वो हैरान होता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि यह जो दराती है किस तरह की फुसफुसाहट कर रही है, किस तरह की आवाज़ कर रही है। और लास्ट में वह एक निष्कर्ष पर, कंक्लूजन पर भी पहुँच जाता है। ओके ओके, समरी करते हैं पोएम की। अब इस पोएम का जो स्पीकर होता है वह एक किसान है, फार्मर है। वह एक जंगल के नज़दीक अपने खेत में काम कर रहा है, और वहां पर वह है, उसने हाथ में दराती लिए हुए है और उस दराती से घास काट रहा है। अब जब दराती से घास काटते हैं तो कुछ आवाज ही उत्पन्न होती है, और जैसे ही वह घास काट रहा है तो वहां पर दराती फुसफुसाहट की आवाज उत्पन्न कर रही है। और जो फुसफुसाहट की आवाज आ रही है उसके अलावा वहां पर और कोई भी शोर नहीं है, मीन्स वहां पर पूर्ण तरीके से शांति है, कामनेस है। ओके, अब पोइट जो है उसको जब यह आवाज सुनाई देती है तो वह सोचता है कि जो यह दराती है, यह फुसफुसाहट की जो आवाज कर रही है, जो यह विस्परिंग साउंड कर रही है, ओके, उसके बारे में वह सोचने लग जाता है। अब वो सोचता है एंड ही वंडर्स कि जो ये फुसफुसाहट है, जो है विस्परिंग साउंड है, यह क्या मैसेज कन्वे करना चाह रही है, क्या संदेश देना चाह रही है। फिर वह सोचता है शायद यह सूर्य की गर्मी के बारे में, किसान से गर्मी के बारे में शिकायत कर रही है। ओके, या फिर हो सकता है कि शायद वह जो शांति है उसके क्षणों पर टिप्पणी कर रही हो। ओके ओके, और परहैप्स इट वॉज
कमेंटिंग अपॉन द साइलेंस ऑफ द मोमेंट। ओके, फिर पोइट सोचता है कि जो दराती है जो आलस्य के समय में लिया गया स्वप्न के बारे में नहीं फुसफुसा रही है, ओके नहीं फुसफुसा रही उसके बारे में, और न ही यह उस दौलत के बारे में फुसफुसा रही है जो कि बिना काम किए परियों से प्राप्त की जा सकती है। कवि इन सभी पॉसिबिलिटीज को रिजेक्ट कर देता है। वह सोचता है कि जो यह दराती जो काम कर रही है उस काम से वह बहुत प्यार करती है और वह उसको यह सच्चाई बताती है कि सच्ची मेहनत के स्वप्न मीठे मधुर स्वीट होते हैं। ओके, इट कन्वेज हिम द ट्रूथ दैट सिंसियर लेबर हैज स्वीटेस्ट ड्रीम्स। ओके, दिस पोएम हैज अ डीपर मीनिंग। ओके, बहुत गहरा अर्थ है इसमें, सरलता में है, ओके सिंप्लिसिटी में लिखी गई पोएम है, बट जो पोएम की थीम है वो रियल लाइफ के बारे में है, हार्ड वर्क के बारे में है। ओके, और ये बताना चाह रहे कि जो हार्ड लेबर है कैन गिव ग्रेटेस्ट प्लेजर देन फैंसीफुल ड्रीम्स। ओके, एंड द पोएट रिजेक्ट्स आइडल ड्रीमिंग इन फेवर ऑफ लाइफ एंड रियलिटी। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम कैन बी समड अप इन वन लाइन फ्रॉम द पोएम। द फैक्ट